नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी गोगज बदमाश गिरफ्तार किया है, जिसे घायल अवस्था में मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश पर अलीगढ़ के थाना जवा और बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। पकड़े गए बदमाश से एक अवैध तमंचा, भारी मात्रा में खोखा एवं जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र के पिलोना बॉर्डर पर बैरियर चेकिंग के दौरान पुलिस की मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम नवीशेर पुत्र सब्बीर निवासी दरियापुर थाना जवा जनपद अलीगढ़ बताया है, जिसके कब्जे से पैशन प्रो मोटरसाइकिल, एक अदद तमंचा, 315 बोर में भारी मात्रा में खोखा एवं जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जवा के चोरी व गौकशी के 4 मुकदमों में वांछित है, जिस पर अलीगढ़ तथा सीमावर्ती जनपद बुलंदशहर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। बदमाश के विरुद्ध विभिन्न जनपदों के थानों में 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती किया गया। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की जंगलों में कॉम्बिंग जारी है। चेकिंग हो रही थी 11:15 हमारे जवान क्षेत्र का पिलोना बॉर्डर है, वहाँ पर पुलिस की हमारी चेकिंग कर रही थी। एक मोटरसाइकिल पर दो सस्पेक्ट आ रहे थे, रोका गया। पुलिस को देखते हुए गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी। एक बदमाश वहाँ से हटे, जो घायल बदमाश है उसको यहाँ उपचार के लिए लाया गया है, वो सारा दिन है। उससे पूछताछ पर उसने बताया है कि वो उसका नाम नवीन शेर है। वो हमारा वहाँ इसका जमा थाने में ये 25,000 का इनामी है, लगभग 4-5 मुकदमे वांटेड है। ये भी पता चला है कि ये बुलंदशहर से भी ये 25,000 रुपये का 25,000 के इनामी है। ये गौकर का उसका गाय को जो उठाते थे, उठा करके उनको ले जाते थे। उसके उनमें और भी वही साथी पहले घटना में थे, जिनको पुलिस ने पकड़ा था, ये वांटेड है। और इसे जब ये उपचाराधीन के बाद से ठीक हो जाएगा तो पुलिस और विस्तृत इंट्रोगेशन किया जाएगा, तो उसे और विस्तृत पता चलेगा और कौन कौन करने में ये शामिल है। कोई साथी फरार भी है इसका? हाँ, इसमें एक साथी फरार है, उसके बारे में सर्च किया गया है, उन्हें मिला नहीं है। तो कल इसके बारे में जब विस्तृत पूछताछ की जाएगी वो कौन सा व्यक्ति। ठीक है।